माफ करना जज साहब, मैं कोर्ट में पहली बार आया हूँ। अरे ओए, ये क्या हो गया? उस्मान भाई ने डांटा, काम करने को मना किया, बुरा लगा। नीरज वोरा एक महान डायरेक्टर, एक शानदार लेखक, एक जानदार म्यूजिशियन और एक जबरदस्त एक्टर। हमारे काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। बेहद सामान्य परिवार में पैदा होकर नीरज वोरा ने हिंदी सिने जगत में अपनी एक उम्दा और बहुत मजबूत पहचान बनाई। लेकिन फिर समय का फेर देखिए, लोगों को खूब हंसाने वाले इस एक्टर का आखिरी वक्त बेहद दुख और दर्द भरा रहा। अरे मुझे तो लगा कोई शेर चीता आ गया जो तुमने इतना दहाड़ दिया। किस्सा टीवी पर आज पेश है नीरज वोरा की कहानी। नीरज वोरा जैसे मल्टी टैलेंटेड अभिनेता के साथ अंतिम समय में ऐसा क्या हुआ था कि हर कोई हैरान व दुखी रह गया था, ये पूरा किस्सा आज आप किस्सा टीवी पर जानेंगे। साथ ही नीरज वोरा की जिंदगी के कई दूसरे पहलुओं पर भी आप और हम बारीकी से नजर डालेंगे। अरे सत्यानाश जाए दवाई की कंपनियों का चौपट कर देंगे मेरा धंधा, कितनी मेहनत से बनाता हूँ एक एक ताबूत। नीरज वोरा का जन्म 22 जनवरी 1963 को गुजरात के भुज में हुआ था। इनके पिता पंडित विनायक राव वोरा एक शास्त्रीय संगीतकार थे और तार शहनाई वादक थे, जबकि इनकी मां प्रमिला बेन एक गृहिणी थी। नीरज छोटे ही थे जब इनके पिता इन्हें और इनकी माता को लेकर मुंबई आ गए। यहां एक स्कूल में उन्हें इंडियन क्लासिकल म्यूजिक टीचर की हैसियत से नौकरी मिल गई थी। इनके पिता चूंकि शास्त्रीय संगीतकार थे तो उन्होंने अपने घर में बॉलीवुड फिल्मों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया था, पर चूंकि इनकी मां हिंदी फिल्मों की शौकीन थी तो अक्सर इनकी मां इन्हें लेकर चुपके से फिल्म देखने चली जाती थी। इस तरह बचपन से ही नीरज वोरा को हिंदी सिनेमा व संगीत में दिलचस्पी होने लगी। कम उम्र से ही वो फिल्मों में काम करने का ख्वाब देखने लगे। चूंकि पिता संगीतकार थे तो बचपन से ही नीरज को कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाना आ गया था। जब भी पिता घर पर नहीं होते थे तो नीरज उनके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स पर फिल्मी गानों की धुन बजाया करते थे। नीरज का दाखिला इनके पिता ने उसी स्कूल में कराया जहाँ वे खुद भी नौकरी किया करते थे। स्कूल में इनके साथ आशुतोष गोवारिकर, टीना मुनीम और फाल्गुनी पाठक भी पढ़ते थे, जो आगे चलकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बड़ा नाम भी बने। ये जिस इलाके में रहते थे वहाँ पास में ही संगीतकार राजेश रोशन भी रहा करते थे। राजेश रोशन इनके पिता को अच्छी तरह से जानते थे और ये भी जानते थे कि इनके पिता के पास बच्चे म्यूजिक सीखने आते हैं। एक दिन राजेश रोशन इनके पिता के पास आए और उन्होंने इनके पिता से कहा कि उन्हें एक गाने के लिए 5-6 ऐसे बच्चे चाहिए जो किशोर कुमार के साथ कोरस गा सके। पिता ने कुछ बच्चों के साथ नीरज को भी राजेश रोशन के साथ भेज दिया और इस तरह नीरज बचपन से ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ गए। मिस्टर नटवरलाल में अमिताभ बच्चन ने अपनी जिंदगी का पहला गीत मेरे पास आओ मेरे दोस्तों गाया था। इस गीत में कोरस गाने वाले बच्चों में नीरज वोरा भी थे। गांव ले लो, पहाड़ चाहिए, पहाड़ ले लो। चूंकि नीरज अपनी मां के साथ खूब फिल्में देखते थे तो स्कूल में आकर वो अपने दोस्तों को फिल्मों की कहानी भी सुनाते थे और इस तरह ये फिल्मों में एक्टिंग करने का ख्वाब देखने लगे। अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए नीरज ने गुजराती थिएटर भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन उन्हें थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। उन्हें डर था कि उनके पिता, जो कि अब तक फिल्मों से अपने परिवार को दूर रखने की वकालत करते आए थे, जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा थिएटर करने लगा है तो जाने वो क्या सोचेंगे। एक दिन हिम्मत करके नीरज ने अपने पिता को बता दिया कि वो एक्टर बनना चाहते हैं, इसलिए एक गुजराती थिएटर से जुड़ गए हैं। नीरज के मुंह से ये बात सुनकर उनके पिता नाराज होने की जगह खुश हुए और बोले कि तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो, बस
पढ़ाई मत छोड़ना। पिता के मुंह से ये बात सुनकर नीरज आत्मविश्वास से भर गए और जी जान से गुजराती थिएटर करने लगे। थिएटर के साथ साथ नीरज ने पढ़ाई भी जारी रखी और कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज में इनके साथ इनके बचपन के दोस्त आशुतोष गोवारिकर तो थे ही, साथ ही यहाँ पर इनकी दोस्ती मकरंद देशपांडे और दीपक तिजोरी से भी हो गई। ये दोनों भी आगे चलकर बड़े अभिनेता बने। नीरज अपने दोस्तों के साथ मिलकर कॉलेज में भी थिएटर कर रहे थे। इनका एक नाटक कॉलेज के दिनों में काफी मशहूर हुआ। उस नाटक की बदौलत ये कॉलेज का जाना पहचाना चेहरा बन गए। एक दिन इनका वो नाटक केतन मेहता ने देखा। केतन को इनके ग्रुप का काम बेहद पसंद आया और उन्होंने नीरज व उनके दोस्तों को अपनी फिल्म होली में काम दे दिया। होली वही फिल्म है जिससे आमिर खान ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। नीरज वोरा का एक्टिंग डेब्यू भी इसी फिल्म से हुआ था और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही नीरज वोरा की आमिर खान के साथ गहरी दोस्ती भी हो गई थी। अरे देवकरण जैसे महान पेंटर को तो स्पीड ब्रेकर पेंट करने को बोलता है। फिल्मों के साथ साथ नीरज को छोटे पर्दे पर भी काम मिलने लगा था और इन्होंने शाहरुख खान के सुपरहिट टीवी शो सर्कस में भी काम किया। छोटी बड़ी बातें नाम के दूरदर्शन के एक और सीरियल में भी इन्होंने काम किया था। फिर साल 1989 में सलीम लंगड़े पर मत रो नाम की फिल्म से दोबारा इनकी सिल्वर स्क्रीन पर वापसी हुई। 1992 में शाहरुख खान की फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन में भी ये नजर आए, लेकिन साइड रोल्स करने में इन्हें अब बोरियत महसूस होने लगी थी। इन्हें लग रहा था कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिसमें मजा भी आए और सम्मान भी पूरा मिले। तब नीरज अपने पुराने दोस्तों आशुतोष गोवारिकर व दीपक तिजोरी के पास गए और इन तीनों ने खुद से एक फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। ये फिल्म थी पहला नशा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आशुतोष गोवारिकर ने और इसमें हीरो के रोल में थे दीपक तिजोरी। इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर थे नीरज वोरा, यानी इस फिल्म से नीरज वोरा के राइटिंग करियर का आगाज हो गया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कोई कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन इसका म्यूजिक काफी पसंद किया गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि नीरज ने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर इस फिल्म के लिए म्यूजिक तैयार किया था। आशुतोष को जब अपने करियर की दूसरी डायरेक्टोरियल फिल्म बाजी मिली तो उन्होंने इस फिल्म में कुछ कॉमिक डायलॉग्स लिखने के लिए नीरज वोरा को भी रख लिया। नमस्ते माता जी, जवाब नहीं दे रही, आंख नहीं मिल रही, बात क्या है? एक दिन नीरज बाजी फिल्म के कुछ डायलॉग्स लिख रहे थे तो आमिर खान उनके पास आए और उन्होंने नीरज से कहा कि क्या आप रंगीला फिल्म के लिए कोई कॉमिक डायलॉग लिखेंगे। ओरिजिनली तो रंगीला फिल्म के डायलॉग्स लिखने की जिम्मेदारी अराफात महमूद को मिली थी, लेकिन चूंकि आमिर को नीरज की राइटिंग पसंद आती थी तो उन्होंने एक दिन राम गोपाल वर्मा से नीरज को मिलाया। राम गोपाल वर्मा ने भी नीरज की लेखनी देखी और उन्होंने नीरज को रंगीला में कॉमिक सीन्स लिखने का काम दे दिया। इत्तेफाक से इसी दौरान किन्हीं निजी मजबूरियों के चलते अराफात महमूद ने रंगीला फिल्म छोड़ दी। अराफात महमूद के फिल्म छोड़ने के बाद राम गोपाल वर्मा ने पूरी फिल्म के डायलॉग्स की जिम्मेदारी नीरज वोरा को दे दी। नीरज ने बड़ी ही खूबसूरती से रंगीला फिल्म के डायलॉग्स लिखे। रंगीला ही वो फिल्म भी बनी जिसमें पहली दफा नीरज वोरा की कॉमेडी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। दरअसल फिल्म के कॉमिक सीन के लिए राम गोपाल वर्मा ने एक जूनियर आर्टिस्ट को साइन किया था, लेकिन जिस दिन वो सीन शूट होना था उस दिन वो जूनियर आर्टिस्ट सेट पर पहुंचा ही नहीं। शॉट रेडी था और आर्टिस्ट के ना आने से राम गोपाल वर्मा काफी परेशान थे। तब आमिर खान ने रामू को सलाह दी कि क्यों ना ये सीन नीरज वोरा से कराया जाए। रामू ने आमिर की सलाह मान ली और नीरज वोरा से कहा कि वो सीन आप करें। चूंकि नीरज तो एक्टर थे ही सो वो भी तुरंत तैयार हो गए और फिर कैमरे के सामने नीरज ने शराबी आदमी का वो सीन इतने जबरदस्त तरीके से निभाया कि जब डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने कट बोला तो सेट पर मौजूद हर शख्स ने तालियां बजाई। ना ठीक से देख सकते हो ना सुन सकते हो, ऐसी जान का ये देश करेगा क्या? रंगीला फिल्म सुपरहिट रही। रंगीला में नीरज वोरा की शानदार डायलॉग लिखने के लिए उनकी काफी तारीफें हुई। साथ ही साथ शराबी आदमी का जो छोटा सा किरदार नीरज ने
रंगीला में निभाया था। उसके लिए तो हर कोई उनकी तारीफें कर रहा था। अनिल कपूर ने जब रंगीला में नीरज का वो छोटा सा रोल देखा तो उन्हें भी नीरज का एक्टिंग करने का अंदाज बड़ा पसंद आया। अनिल ने नीरज को अपनी फिल्म विरासत में सुखिया के रोल के लिए कास्ट कर लिया। इस तरह नीरज न केवल एक्टिंग कर रहे थे बल्कि साथ ही साथ राइटिंग भी कर रहे थे। बादशाह और मेला जैसी फिल्में लिखकर नीरज वोरा ने साबित कर दिया था कि वो किसी भी जोनरा के लिए फिल्म के डायलॉग्स लिख सकते हैं। वहीं दौड़, सत्या और मन जैसी फिल्मों में नीरज की कमाल की एक्टिंग इस बात का सबूत थी कि वो कितने उम्दा अभिनेता थे। फिल्मों के डायलॉग्स लिखने के दौरान ही नीरज वोहरा की जान पहचान प्रियदर्शन से हो गई। इसके बाद तो नीरज ने प्रियदर्शन के साथ खूब काम किया। हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी वो दो फिल्में हैं जिनमें प्रियदर्शन और नीरज की जोड़ी ने काम किया व ये फिल्में दर्शकों ने खूब पसंद भी की। नीरज ने एक से बढ़कर एक फिल्में लिखी और कई फिल्मों में इन्होंने बहुत ही कमाल की एक्टिंग की। नीरज उन राइटर्स में से एक थे जो बॉलीवुड को गोविंदा की कॉमेडी के जमाने से आगे लेकर आए थे और हिंदी दर्शकों को एक नए अंदाज की कॉमेडी से उन्होंने रूबरू कराया था। क्यों बे, तू पहले नहीं बता सकता था कि तेरा अकेला भाई 10 आदमी का खाना खा जाता है? नीरज की प्रोफेशनल लाइफ जितनी शानदार थी उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही ज्यादा दुख भरी थी। जिन दिनों नीरज अपने करियर की पीक पर थे उन्हीं दिनों यानी साल 2004 में नीरज की पत्नी की मृत्यु हो गई। नीरज की कोई औलाद नहीं थी। अगले साल यानी 2005 में नीरज के पिता भी दुनिया छोड़कर चले गए। पिता की मौत के बाद नीरज का छोटा भाई अपने परिवार को लेकर अलग रहने लगा। ऐसे में माँ की जिम्मेदारी भी नीरज पर ही आ गई थी। जिंदगी के अकेलेपन को दूर करने के लिए नीरज जमकर काम कर रहे थे और खाली वक्त में वो अपनी माँ की सेवा कर रहे थे। लेकिन साल 2014 में नीरज की माँ भी नहीं रही और इस तरह नीरज इस दुनिया में एकदम अकेले रह गए। नीरज ने अपने काम को ही अपने सुख दुख का साथी बना लिया। उन्होंने खुद को काम में इतना ज्यादा बिजी कर लिया कि तन्हाई के बारे में सोचने का उन्हें वक्त ही नहीं मिला। लेकिन जब साल 2006 में हेरा फेरी फिल्म के तीसरे भाग के सिलसिले में ये दिल्ली में थे तो इन्हें हार्ट अटैक आ गया। इन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में इन्हें ब्रेन स्ट्रोक भी आ गया और नीरज कोमा में पहुंच गए। नीरज दिल्ली में अकेले जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। लेकिन तभी इनकी बीमारी की खबर इनके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज नाडियाडवाला को मिली। वो नीरज से मिलने तुरंत मुंबई से दिल्ली आए और फिरोज नीरज को एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली से मुंबई ले गए और वहां के एक बढ़िया से अस्पताल में उन्होंने इलाज के लिए नीरज को भर्ती करा दिया। डॉक्टर्स ने जब फिरोज को बताया कि नीरज वोरा कोमा में है और अस्पताल की जगह उन्हें घर पर रखा जाना चाहिए तो फिरोज नाडियाडवाला ने अपने घर का एक कमरा आईसीयू में तब्दील कराया। 24 घंटे नीरज की देखभाल हो सके इसके लिए एक नर्स को अपॉइंट किया गया। नीरज का इलाज करने के लिए डॉक्टर्स फिरोज नाडियाडवाला के घर पर ही आते थे। नीरज को बचाने के लिए फिरोज नाडियाडवाला दिल लगाकर मेहनत कर रहे थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब नीरज कोमा से बाहर आए और लगा कि अब जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन 14 दिसंबर 2017 को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चलते सुबह 4 बजे नीरज वोरा की अचानक मौत हो गई। अपने बच्चे सुनील को? हाँ, अरे सुनील के लिए तो वो अपनी जान दे दे। नीरज वोरा की कहानी मिसाल है इस बात की कि भले ही किस्मत आपको हर वो चीज दे दे जिसका ख्वाब आपने देखा है, हर वो खुशी आपकी झोली में डाल दे जिसकी मिन्नत आपने ईश्वर से की है, लेकिन किस्मत जब लेने पर आती है तो कहीं का नहीं छोड़ती। सब कुछ होते हुए भी किस्मत आपकी हैसियत एक मजबूर फकीर जितनी कर देती है। नीरज वोरा भी एक ऐसे ही फकीर थे जिन्हें किस्मत ने पहले तो सब कुछ दिया लेकिन फिर बाद में एक एक करके हर खुशी उनसे छीन ली। मगर नीरज वोरा ने अपने हुनर से हम दर्शकों का जिस तरह से मनोरंजन किया है उसके लिए हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे। किस्सा टीवी नीरज वोरा को सैल्यूट करता है और साथ ही साथ उन्हें नमन भी करता है। जय हिंद।